जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच 8 सितंबर को शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया क्योंकि मेजबान टीम ने न्यूजीलैंड को इस मैच में 6 विकेट से मात देकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया। इसी के साथ बांग्लादेश ने कीवी टीम के खिलाफ पहली T20 सीरीज अपने नाम कर ली। आप सभी को बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार अपने घर में T20 सीरीज जीती थी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बांग्लादेश ने यह कारनामा किया है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले बांग्लादेश का ऐसा प्रदर्शन सभी बड़ी टीमों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि अपने आप में ही बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम बन चुकी है T20 फॉर्मेट में। अब न्यूजीलैंड चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के खेल भी पूरी तरीके से नहीं खेल पाया। 19.3 ओवर में मैच 93 रन पर ही सिमट गया। टीम को 16 के स्कोर तक रचिन रविंद्र 0 रन पर और फिन एलन 12 रन के रूप में दो बड़े झटके लग चुके थे। इसके बाद कप्तान टॉम लैथम ने विलियम के साथ 35 रन की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद टीम लड़खड़ाती नजर आई और लैथम ने 21 रन जबकि विलियम ने 6 बाउंड्री की मदद से सर्वाधिक 46 रन बनाए। न्यूजीलैंड के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी ना छू सके। आलम यह रहा कि पूरी पारी में सिर्फ 2 छक्के और 6 चौके ही देखने को मिले। विपक्षी टीम की ओर से नसूम अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 4-4 विकेट अपने नाम किए। टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन मोहम्मद नईम ने 29 रन बनाए। टीम को 14.3 ओवर में 67 के स्कोर तक 4 विकेट गवा चुकी थी। यहां से कप्तान महमूदुल्लाह ने आफीफ हुसैन के साथ अटूट साझेदारी करते हुए 5 गेंदे शेष रहते हुए बांग्लादेश को जीत दिला दी। महमूदुल्लाह ने 48 बॉल में 3 बाउंड्री की मदद से नाबाद 43 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने 2 रन जबकि कॉले मैकोनी ने 1 शिकार किया। 5 मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच बांग्लादेश ने 7 विकेट से जबकि दूसरा 4 रन से अपने नाम किया। इसके बाद न्यूजीलैंड ने तीसरे मुकाबले में 52 रन से जीत दर्ज करी थी। अब अंतिम मैच में इस मैदान पर 10 सितंबर को खेला जाएगा, लेकिन ये सीरीज तो दोस्तों यहां पर बांग्लादेश की टीम जीत चुकी है और न्यूजीलैंड के लिए वो आखिरी मैच एक तरीके से इज्जत बचाने वाला मैच होगा। बांग्लादेश की दोस्तों अगर T20 वर्ल्ड कप में बात की जाए तो उनके खिलाड़ी में दमखम दिख रहा है, लेकिन दमखम इस वजह से है क्योंकि ये अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है। ऊपर से दोस्तों आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि न्यूजीलैंड की टीम में अभी एक्सपीरियंस यानी कि सीनियर खिलाड़ी देखने को नहीं मिले थे। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ था, कुछ सीनियर खिलाड़ी उसमें भी नहीं थे। तो यानी कि सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में जूनियर खिलाड़ियों के साथ टीम बांग्लादेश से मैचेस खेलने के लिए पहुंची। जैसे दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज हुई थी, तो इंडिया की टीम जैसे पहुंची थी शिखर धवन की कप्तानी के साथ, तो कुछ वैसे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि टॉम लैथम यहां कप्तान बन के गए और उनके साथ कुछ नए नए प्लेयर्स थे। लेकिन फिर भी दोस्तों न्यूजीलैंड जिस तरीके से हारी है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हारी है, जिस तरीके से अब बांग्लादेश ने जीत दर्ज करी है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं और वो सचमुच ये जताता है कि बांग्लादेश भी अब पुरानी वाली बांग्लादेश नहीं रही, अब इनसे भी डर के रहना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।